बीजेपी यूपी में नए अध्यक्ष की तलाश में है। पिछले 5 महीने से नए नाम पर मंथन चल रहा है। पार्टी को एक ऐसे चेहरे की तलाश है जो मिशन 2024 को ध्यान में रखकर संगठन को मजबूती दे सके। हाल ही में पार्टी ने प्रदेश में नए संगठन महामंत्री को भी नियुक्त किया है। अब अध्यक्ष की तलाश को भी जल्द ही पूरा करना चाहती है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में नए बीजेपी अध्यक्ष के नाम की अटकलों के बीच उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर राजनीतिक रूप से एक बड़ा संकेत दिया है। केशव ने ट्वीट कर लिखा, संगठन सरकार से बड़ा है। उन्होंने अपने इस इशारे को लेकर जोर भी दिया। यही वजह है कि इस ट्वीट को उन्होंने ट्विटर अकाउंट पर पिन किया है, जिससे कि ये सबसे ऊपर दिखाई दे। केशव के इस ट्वीट के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर आहट साफ झलक रही है और इसके बड़े मायने निकलने भी अब शुरू हो गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य इससे पहले भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, इसलिए ये पार्टी की तरफ से उनके नाम पर मुहर लगाना एक प्रयोग नहीं बल्कि सोची समझी रणनीति भी हो सकती है। बीजेपी 2024 के चुनाव से पहले ओबीसी वोटरों के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहती है, जिससे सपा के वोट बैंक में सेंध लगाई जा सके। उत्तर प्रदेश भाजपा में केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ा चेहरा है। ऐसा लग रहा है कि 2017 के विधानसभा चुनावों में जिस तरह केशव प्रसाद मौर्य को चेहरा बनाकर भाजपा ने न सिर्फ पिछड़ों को जोड़ा था बल्कि सरकार भी बनाई थी, उसी तरह ही इस बार भी पार्टी केशव प्रसाद मौर्य पर भरोसा कर सकती है। पार्टी चाहती है कि केशव प्रसाद मौर्य के जरिए पिछड़ों में एक बार फिर से वही विश्वास बने और इस वोट बैंक की मजबूती से 2024 का मिशन कामयाब हो सके। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक पार्टी को अध्यक्ष के रूप में एक ऐसे चेहरे की तलाश है जो लोकप्रिय हो, अनुभवी हो, संगठन का कुशल शिल्पी भी माना जाता हो। माना जा रहा है कि इन सभी खांचों में केशव प्रसाद मौर्य फिट बैठते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्व संगठन मंत्री सुनील बंसल के पास पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और उड़ीसा की जिम्मेदारी है। सुनील बंसल के यूपी से जाने के बाद संगठन को एकजुट बनाए रखने और कार्यकर्ताओं में बूथ स्तर तक पकड़ के कारण केशव मौर्य की दावेदारी को ज्यादा मजबूत बनाती है। सुनील बंसल के जाने के बाद यूपी में सीएम योगी के अलावा कोई दूसरा बड़ा चेहरा नहीं है। इसके अलावा भी हाल ही में घटनाक्रमों के बाद से माना जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर पार्टी में पसंदीदा नेता बनकर उभर रहे हैं। 10 दिन पहले भी पार्टी ने केशव प्रसाद मौर्य को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। अब देखते हैं बीजेपी अब किसको यूपी का अध्यक्ष बनाती है और क्या 2024 में बीजेपी का यह निर्णय रंग लाएगा।